बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज मैं लाया हूँ अपाची RDR 160 और दिखाता हूँ आपको कौन सेट कैसे फिट करते हैं। तो दोस्तों हमने कौन सेट ले लिया और दिखाते हैं आपको कौन सेट कैसे फिट करते हैं। दोस्तों कौन सेट हमने पूरी कौन ले ली ओरिजिनल और आपको दिखाते हैं फिटिंग करके। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कौन ले लिया और इसको बिठा लेते हैं बढ़िया तरीके से। दोस्तों अभी हमने यहाँ पे पूरी तरह कर दी है, अब इसको निकाल लेते हैं पुरानी को। तो दोस्तों दूसरी कौन ले लिया, अब हम इसके अंदर नीचे लगा देते हैं, चोट मार के बिठाते हैं। इसके अंदर चोट मार के बिठा दिया है। अभी ऊपर वाली कौन हमने लगाई रखी है जिसकी सपोर्ट से ये अंदर बैठ गई है, अब हम इसको निकाल देते हैं दूसरी लगाते हैं। तो दोस्तों कौन हमारी पूरी तरीके से बैठ चुकी है, अब इसके अंदर हम हैंडल टी के अंदर बिठा देते हैं कौन। एक हैंडल टी के ऊपर लगा लेंगे, हैंडल टी के ऊपर यहाँ पर लगा देते हैं कौन और दिखाते हैं आपको कैसे फिट करते हैं। इसके ऊपर ये नीचे सील लगेगी, इसके ऊपर इस तरीके से लगेगी और इसको विशेष तरीके से ध्यान लगाएं, इसको ऐसे नहीं लगाएं, अगर ऐसे लगाएंगे तो काम नहीं करेगा, पानी आएगा इसके अंदर। तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, अंदर यहाँ फिट कर देते हैं कौन ले ले इसको और उल्टी करके लगा देनी है। और यहाँ मैंने 30x30 का पाना ले लिया जिससे कौन हमारी आराम से बैठ जाएगी। तो दोस्तों अभी हम इसके अंदर इसको बार बार यहाँ पे बैठा देंगे और आराम से कौन बैठ जाएगी। पुरानी कौन निकाल देते हैं इसके अंदर से, कौन निकाल दिए लगाते हैं, ग्रीस लगा के गोली लगाते हैं, सेट करते हैं। तो दोस्तों ग्रीस गोलियों पर ग्रीस जरूर लगाना और ग्रीस लगा के गोलियों पर बढ़िया तरीके से इस तरीके से मिला लें और इसके बाद फिर इसके अंदर लगाएं। इसके अंदर लगा देंगे हम लोग तो ग्रीस, अगर गोली बढ़िया से ग्रीस लगाना है ओरिजिनल जिससे परेशानी ना हो, पानी ना जा पाए, इस तरीके से लगानी फिटिंग करनी है। तो दोस्तों ग्रीस की लगा के मैंने गोली फिटिंग कर दी पूरी, और ज़्यादा गोली ना लगाएं, आराम से हल्की गोली लगाएं। अगर एडवांस गोली लगा देंगे तो फिटिंग नहीं होगी और दिक्कत हो जाएगी, और एक भी कम होगी तो दिक्कत हो जाएगी। इसकी भी है यहाँ लगा लें ग्रीस और यहाँ फिटिंग कर देंगे बढ़िया तरीके। तो दोस्तों अभी इसके ऊपर हल्का सा ग्रीस लगा देंगे भाइयों, यहाँ ग्रीस लगा लेंगे बढ़िया तरीके से और फिटिंग में दिक्कत ना आए। पे भी लगा दें कौन पे जिससे ग्रीस कम ना रहे और दिक्कत ना बने। पे भी ग्रीस हल्का सा लगा ही लेते हैं एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से आपको परेशानी ना होगी और बढ़िया चलेगा, स्टेयरिंग एक नंबर का हो जाएगा मलाई की तरह। तो दोस्तों अच्छे ध्यान रखें, सफाई से काम ज़रूर करें। तो केकड़ा ज़रूर लगा लें, केकड़ा का जाल ज़रूर लगा लें। तो दोस्तों केकड़ा लग चुका है, अब हम इसके अंदर कौन लगाते हैं। दोस्तों इसके अंदर स्टेयरिंग के अंदर कौन डाल देंगे। तो दोस्तों इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, स्टेयरिंग सीधा रखें, चल लगा। तो दोस्तों अब इसको ऊपर कर लेंगे बढ़िया तरीके से, आराम से हो जाएगा। अब इसके ऊपर नट और बोल्ट लगा देते। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके ऊपर कौन लगा देंगे, अब इसके अंदर ये प्लेट लगा देंगे और ये नट लगा के इसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ फिटिंग हो चुका है, अब इसके ऊपर सारी फिटिंग कर देते हैं टोटल। ऊपर की प्लेट लगा देते हैं, अब ये 32 नंबर का बोल्ट लगा देते हैं यहाँ पर। दोस्तों इस बोल्ट को पूरा टाइट कर दिया। दोस्तों अब इसके अंदर टायर लगा देते हैं, अंदर जो है अंदर कर दिया है, अब इसको डिस्पैट अंदर करके और इसको अंदर कर लगा, एक बोल्ट ऊपर लगा देना है, मास्टर सिलेंडर टाइट हो जाए। दोस्तों बात, दोस्तों एक पत्ती का यहाँ बोल्ट लगा देना है। हम लोग ये प्लेट लगा देते हैं और ये एलकी के दो बोल्ट टाइट कर देंगे 5 नंबर की एलकी से। तो दोस्तों ये 5-6 नंबर की एलकी के बोल्ट हैं, इनको भी टाइट कर दें और ये सबसे लास्ट में करते हैं जब स्टेयरिंग का बोल्ट टाइट हो जाए। दोस्तों अब इसके बाद हम लगा देंगे इसके अंदर हेडलाइट का चले। तो दोस्तों गाड़ी हमारी पूरी कंप्लीट हो रही है पूरी तरीके से, और हमने पूरी स्टेयरिंग सेट कर दिया है। जो गाड़ी टेढ़ी चल रही थी बहुत बड़ी, ऐसे ऐसे घूम रही थी, तो जिसकी वजह से शॉकर और इसके हैंडल टी टेढ़ी थी, तो हमने इसको ठीक कर दिया पूरी तरीके से और इसके अंदर कौन सेट भी डाला है। और वीडियो में पूरी तरीके से ध्यान से देखना दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दिखाते हैं आपको ट्रायल के बाद क्या रिजल्ट आया है।